पिगमेंटेशन, मिलाजमा, झाइया, ब्लेमिश, इनका नाम सुन के तो एक बार रूह तक कांप जाती है, क्योंकि मैं इसको फेस कर चुकी हूँ। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मान के चलिए आपका फेस बहुत क्लीन है पहले, आप लोगों को हर टाइम कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब भी आप बाहर निकलते हैं, और जब उस फेस के ऊपर एक ऐसी जिद्दी चीज आए जिसको निकालना लगभग लगभग शायद इम्पॉसिबल है, तो सोच के देखिए कि आपको कैसा फील होगा। अगर आपके क्लीन फेस के ऊपर एक दाग भी आ जाता है ना, तो हम उस दाग को ये सोचते हैं कि कब ये जाएगा, कब ये रिमूव होगा। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, तो डेफिनेटली वो रूह को तो कंपाने वाली होती ही है, क्योंकि हमारा अगर फेस क्लीन होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, और जब हमारा स्किन डल हो जाता है तो हम नीचे आ जाते हैं उसके साथ साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी सिंपल होम रेमेडी जिसका यूज करके आप अपनी पिगमेंटेशन, अगर हल्के वाले पिगमेंटेशन है तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, अगर भयंकर वाले पिगमेंटेशन है तो आप उनको काफी हद तक फेड कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों का एज यूजुअल पसंद आता है, प्लीज वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल मजेगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी खुद की पिगमेंटेशन जर्नी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो वाली वीडियोज भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। इसमें खुद के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत बार ऑयली स्किन वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऑयल लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि स्किन पहले से ही बहुत ज्यादा ऑयली है और ऑयली स्किन के ऊपर पिंपल बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आप इस कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल आपकी स्किन बनाती है ये सेम वैसा ही ऑयल होता है, और जब आप इसको लगाते हैं अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन को पता ही नहीं चलता कि ये उसका खुद का बनाया हुआ ऑयल है या फिर आपने कोई अलग से ऑयल लगाया है। तो ये डेफिनेटली आपकी स्किन के लिए सुटेबल होगा। ये कोकोनट ऑयल जो आपकी ब्लेमिश है, जो आपकी पिगमेंटेशन है, उनको रिमूव करने में मदद करता है, क्योंकि मैं इसको हर रोज लगभग रात को सोने से पहले जरूर एक मसाज दे के सोती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। ये आपकी ना केवल पिगमेंटेशन को बल्कि आपके दाग धब्बों को, आपके छोटे छोटे से जो स्कार हैं उनको भी फेड करने में, उनको भी परमानेंटली क्लीन करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप इसके साथ मसाज करेंगे तो जो रिंकल्स वगैरह है, जो आपका डिस्कलरेशन स्किन हो चुकी है, जो आपकी डलनेस आ चुकी है, वो भी साथ के साथ आपके कम होते हुए चलेंगे। आप इस इंग्रेडिएंट को, मतलब कि इस रेमेडी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ी सी लेमन की बूंदें डाल देनी है, थोड़ी सी यानी कि 4 या 5 बूंद आपको इसके अंदर लेमन की डालनी है। अगर आपको लेमन से एलर्जी है, अगर आप इसको कोकोनट ऑयल के साथ लगाते हैं तो ये आपकी स्किन पे मेरे ख्याल से तो एलर्जी नहीं देगा, फिर भी आप इसका थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर कर सकते हैं। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होने लगती है तो स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, स्किन अपने आप ही डार्क स्पॉट्स बनाना शुरू कर देती है, जिसे आप पिगमेंटेशन, मिलाजमा, झाइया, जो भी आप बोलते हैं, तो लेमन उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद आपको चुटकी भर के इसके अंदर हल्दी डाल देनी है। हल्दी जो आप यूज कर रहे हैं वो कस्तूरी हल्दी होनी चाहिए, वो किचन वाली जो सब्जी में डाली जाती है वो हल्दी आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है। ओके, तो पिंच ऑफ टर्मरिक आपको इसके अंदर डाल देनी है। कस्तूरी हल्दी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि जो येलो जो स्टेन आ जाता है स्किन के ऊपर जब भी हम हल्दी लगाते हैं, तो कस्तूरी हल्दी से आपका जो फेस है वो येलो नहीं होगा। कस्तूरी हल्दी प्योर होती है, कस्तूरी हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है। ये आपके दाग धब्बों को स्पेशली क्लीन करने में आपकी मदद करती है, आपके दाग धब्बों को फेड करके, आपकी पिगमेंटेशन को फेड करके आपकी स्किन को इवन लुक देने में आपकी मदद करती है। तो पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के बिल्कुल अच्छे से आपका जो ये एक ऑयल बन के तैयार हो गया है। इस ऑयल के साथ आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। यकीन मानिए, चाहे आप इस के साथ जब भी आप मसाज करेंगे, 7-8 दिन के बाद आपको दिखेगा कि आपकी जो ब्लेमिश है, जो पिगमेंटेशन है, वो लाइट होना शुरू हो गई है, और जो जिद्दी वाले दाग धब्बे हैं वो परमानेंटली 10 से 12 दिन में बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। आपको हाथ पे लेना है, अच्छे से हाथ पे पहले रबिंग करनी है और उसके साथ आपको अपर डायरेक्शन में फेस के ऊपर मसाज करनी है। ब्लेमिश की भी एक जगह होती है, जैसे कि वो गाल के आसपास आती है, चिन एरिया पे आती है, या फिर आंखों के आसपास, फोरहेड पे, या फिर आपकी नाक के ऊपर आ जाती है।
तो पूरे फेस के ऊपर, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे आपको लगाना है, पूरे फेस के ऊपर इसकी एक अच्छी सी आपको 10 मिनट के लिए मसाज देनी है। इस मसाज को आप दिन में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर कस्तूरी हल्दी डाली है और हमने इसके अंदर लेमन डाला है और जो ऑयल है उसे आप लगा के बाहर नहीं घूम सकते हैं। जब आप इनको लगा के धूप में जाते हैं तो इसका साइड इफेक्ट आपको मिलता है, इसीलिए ये जो ऑयल हमने बनाया है इसे आपको रात के टाइम पे अपने फेस पे लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपकी आंखों के आसपास काले घेरे आ गए हैं तो उनको भी रिड्यूस करने में ये होममेड DIY आपकी मदद करने वाला है। बहुत अच्छे से आप अपनी नेक पे और आप अपने फेस पे इसके साथ मसाज दे सकते हैं। कस्तूरी हल्दी नहीं है तो कमेंट्स करके मत पूछिएगा कि क्या किचन वाली हल्दी यूज कर सकते हैं। किचन वाली हल्दी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। कस्तूरी हल्दी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, लिंक नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल ही चीप होती है, 100 से 150 रुपए में आपको बहुत सारी कस्तूरी हल्दी मिल जाएगी। गांठ वाली हल्दी भी यूज की जा सकती है, उसका जूस निकाल के आप इस ऑयल में उसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी सिंपल सी रेमेडी है, इसको अगर आप ट्राई करते हैं तो अगर आपका फेस बिल्कुल झाइयों से भरा हुआ है तो ये उसको सिर्फ फेड करेगा, उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी क्योंकि हार्मोन कई बार इनबैलेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी कई बार इस तरीके से रिएक्ट करती है, बहुत सारा ब्लैकिश जो पिगमेंट होता है उसको बनाना शुरू कर देती है, तो उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, रोकने के लिए आपको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल बेसिक स्किन की केयर नहीं करते हैं जैसे क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ना आप फेस वॉश करते हैं, भूल जाते हैं, ना आप कोई क्रीम लगाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी स्किन पे कई बार पिगमेंटेशन आ जाती है। अगर आप बिना कुछ लगाए दिखाए धूप में चले जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार 2 मिनट का तो काम है, अभी करके आ जाऊंगी, क्या जरूरत है फेस पे सनस्क्रीन लगाने की, वो 2 मिनट की धूप भी आपकी स्किन को डैमेज करके चली जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि सनस्क्रीन का यूज, चाहे आप घर पे हैं चाहे आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन अपने फेस पे जरूर लगानी चाहिए क्योंकि सनस्क्रीन के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके ब्लेमिश को फेड करती हैं, जो आपके ब्लैकनेस को फेड करती हैं, जो आपके दाग धब्बों को रिमूव करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं उसमें हल्की सी व्हाइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन व्हाइट व्हाइट सा बन जाता है, तो उसके अंदर व्हाइटिंग प्रॉपर्टीज इसीलिए होती हैं कि जो आपके दाग धब्बे हैं वो अच्छे तरीके से उनके ऊपर काम कर पाए। तो धूप में भी जब आप जाते हैं तो बिना सनस्क्रीन के आपको नहीं जाना है। ये जो रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये सिर्फ आपको रात में लगानी है, दिन में आप इसका यूज नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन से जूझ रहे हैं तो इसका मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है अलग से, वो जाके आप देख सकते हैं, डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। ओके, अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपको झाइयां आई हैं तो इन झाइयों के चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप चले जाती हैं, तो इन पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो झाइयां आपको मतलब कि प्रेगनेंसी के पहले या बाद में आते हैं या मतलब धूप में ज्यादा काम करते हैं वो झाइयां आते हैं, उनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर सलाह जरूर लेनी है। ये रेमेडी भी ट्राई करके देख सकते हैं। आशा करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।